खबर का रुख करते हैं रियल एस्टेट डेवलपर्स से। वसूले 1,62,00,000 रुपए। सीजीएसटी ने की 5 रियल एस्टेट डेवलपर के यहां कार्रवाई। 7 और 8 फरवरी को हुई 5ों रियल एस्टेट डेवलपर्स के यहां कार्रवाई। 3 रियल एस्टेट डेवलपर के यहां मिली आईटीसी की अनियमितताएं। त्रेहान होम डेवलपर्स अलवर, त्रेहान अपना घर प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी और ऑक्सीरिच रियल टॉर्स प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी के यहां तकनीकी गड़बड़ी मिली। मौके पर ही वसूले 1,62,00,000 रुपए। एक कीटनाशक उत्पादक कंपनी के भी यहां सर्वे। एचपीएम केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड करदाता का नाम है, इस कार्रवाई में पकड़ी गई है। 40.65 लाख की जीएसटी चोरी मौके पर ही हुई। 40,65,000 रुपए की वसूली। सीजीएसटी अलवर आयुक्तालय की एंटी इवेजन टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सीजीएसटी जयपुर के मुख्य आयुक्त महेंद्र रंगा के निर्देश के अनुरूप कार्रवाई की गई। अलवर के सीजीएसटी आयुक्त सुमित कुमार यादव के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। कार्रवाई समाप्त, मामलों की विस्तृत जांच फिलहाल जारी और हो सकता है जीएसटी अनियमितताओं के कुछ और खुलासे। लेकिन सोचिए, जिस जीएसटी की धोखाधड़ी को आप पकड़ने के बाद भरते हैं, अगर पहले ही आप भर देते तो इस तरीके की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी जुड़ गए हैं। विमल जी, क्योंकि ये बड़ा सवाल है भाई, जब पकड़े जाते हैं तब भरने के लिए तैयार हो जाते हैं, पहले मंशा नहीं होती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये बड़ा सवाल है। जब पकड़े जाते हैं उस समय पैसा जमा कराने के लिए करदाता तैयार हो जाता है और उससे पहले मंशा नहीं होती। इसमें जो मुद्दा ये है, 7 और 8 फरवरी को 5 रियल इस्टेट डेवलपर्स के यहाँ अलवर की जो एंटी इवेजन टीम है उसने कार्रवाई की थी, और इस कार्रवाई के अंदर 3 जो रियल इस्टेट डेवलपर्स हैं जिनके नाम त्रेहान होम डेवलपर्स और त्रेहान अपना घर प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी और आरसी रिच रियल टॉर्स प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी है, इनके बड़ी तकनीकी गड़बड़ी पकड़ी है। और तकनीकी गड़बड़ी को पकड़ने के बाद में इन तीनों ही करदाताओं ने अधिकारियों के समक्ष मौके पर 1,62,00,000 रुपए जमा भी करा दिए। इसके अलावा अलवर आयुक्तालय ने एक कीटनाशक उत्पादक कंपनी है जिसका नाम एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, इसके यहाँ भी सर्च की कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में 40,65,000 रुपए की जीएसटी चोरी उजागर हुई है। और ये चोरी की जो राशि है 40,65,000 रुपए, ये करदाता ने मौके पर ही जमा करा दी। जी विजेंद्र जी, इसमें समझने की बात ये है कि ये जो जीएसटी की तकनीकी गड़बड़ियां हैं, ये सब तकनीकी गड़बड़ियां जो भी करदाता है उनको उनके संज्ञान में रहता है कि उसके यहाँ से ये गड़बड़ियां हो रही है। ये लोग इसी बात का, ज्यादातर लोग इसी बात का इंतजार करते हैं कि यदि कोई जीएसटी का अधिकारी इनके यहाँ कुछ सर्च करता है या इनको पॉइंट आउट करता है कि तुम्हारे यहाँ गड़बड़ी है, तो ये अपनी तकनीकी भूल को तुरंत सुधार करके जो राशि है उस राशि को तत्काल जमा करा देते हैं। इस पूरे मामले में खास बात ये है कि जो 3 डेवलपर्स हैं जिनके यहाँ ये गड़बड़ी अब तक उजागर हुई है, इनके यहाँ मामले की जाँच और भी जारी है और ये भी उम्मीद की जा रही है इस मामले के अंदर कुछ और नए खुलासे भी हो सकते हैं। ठीक है विमल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा।